नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम जल्द ही सामने होंगे। कोरोना महामारी में जीडीपी कम हुई, भारत भी उसका हिस्सा है। पूरी दुनिया में जीडीपी कम हो रही है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं। वह ना तो जीडीपी समझ रहे हैं और ना ही अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री सबको आश्वासन दिला रहे हैं कि आपदा के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है, सबको सहायता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी परिवार पर आधारित है। देश में राहुल और सोनिया गांधी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के परिवार तक सीमित है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशी का चयन होता है और पार्टी जल्दी प्रत्याशियों का चयन करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी हमारे लिए सेकेंडरी होता, पार्टी पहले होती है, और इसलिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, प्रत्याशी भी समय पर घोषित हो जाएंगे। सर, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर और राहुल गांधी से जीडीपी में सवाल पड़े, क्योंकि अब आपको केंद्र से भी मदद चाहिए, तो रिपोर्ट भी दे। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से नर्मदा जी में गए, वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के बीच में पहुंचे, गांव में पहुंचे। एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर बादलों में भटक गया था और वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर प्रदेश के सब हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं और विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि सरकार हर संकट में पूरी तरह से साथ में खड़ी है। और सरकार ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं, सभी जगह सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है और सर्वे के आधार पर जितनी अधिकतम सहायता हो सकती है वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तत्कालिक रूप से सहायता के कार्य कैंप चल रहे हैं। सर, कांग्रेस को सिर्फ राजनीति के अलावा और कोई उनकी सोच नहीं है। जीडीपी को लेकर जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में पूरे दुनिया में जीडीपी कम हुई है, भारत भी दुनिया का हिस्सा है, ये सारे दुनिया के देशों के जीडीपी के फिगर्स हैं। यूएस में जो जीडीपी कम हुई है वो 31.7, यूके में 20.4, फ्रांस में 13.8, इटली में 12.4, कनाडा में 12%, जर्मनी में 10.1, जापान में 7.8, ये पूरी दुनिया के फिगर हैं, ये पूरे दुनिया के जीडीपी का चार्ट है। इस चार्ट में पूरी दुनिया में जीडीपी किस तरह से कम हो रही है, ये उसका चार्ट है। और इसलिए राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, ना वो जीडीपी के बारे में समझते हैं और ना इकनॉमी के बारे में समझते हैं, ना अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं, और इसलिए ये एक अनावश्यक राजनीति कांग्रेस कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।